मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी, बिहार के डिप्टी सीएम साहब, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा साहब, जरा गौर से देखिए ये तस्वीरें आपके सुशासन की तमाम कलई को खोलती हुई ये हकीकत की तस्वीर है। बिहार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री महोदय और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यह पुल गिरने की तस्वीर नहीं बल्कि आपके सिस्टम की नीयत गिरने की तस्वीर है। यह तस्वीर आपके भ्रष्ट व्यवस्था के झड़झड़ा कर गिरने की तस्वीर है। यह तस्वीर आपके सुशासन के दावों के खोखले हो रहे दीवारों के गिरने की तस्वीर है। यह गिट्टी सीमेंट छड़ बालू से बने हुए पुल नहीं बल्कि आपके विकास के इस विकास रथ विकास के सेतु का है जो धराशायी होने का यह पुल है जो गिर गया वो तस्वीर है। यह तस्वीर यह वीडियो आपको भले ही विचलित नहीं करे क्योंकि आप सिस्टम में बैठे हुए हैं, इतनी दूर तक आपकी निगाहें नहीं जा सकती है जहां पर आपके पीठ पीछे पूरा गंदा खेल खेला जाता है। मुख्यमंत्री जी, ये तस्वीरें आपको हैरान नहीं कर सकती है क्योंकि पहली बार नहीं गिरा है, कई बार गिरा है, कई बार इस तरीके की तस्वीरें आई है। इसलिए आप चैन से सोइए, आप घूमते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि बिहार में जो विकास का काम हुआ है वो मिसाल देश में पढ़े जाएंगे, देश के लोगों को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके राज्य में आपके नाक के नीचे इस तरीके की तस्वीरें आती है। पुल गिरना कोई बड़ी बात थोड़े है, पुल तो बनता ही है गिरने के लिए। साहब, यहां तो पुल बनता ही गिरने के लिए नहीं, पुल बनाया जा रहा है गिराने के लिए, तभी तो रात में ढलाई और सुबह तक पुल धराशाही। मुख्यमंत्री जी, ये आपके ईमानदार अधिकारियों के, ईमानदार ठेकेदारों का ये सीधी तस्वीर है। ये आपके सुशासन की वो सच्ची तस्वीर है जिससे आप मुंह मोड़कर साथ बैठे रहते हैं। आप जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां अगर ऐसी तस्वीर होती है तो कपड़े का कनात टांग दिया जाता है, चार दीवारी बना दी जाती है कि साहब की नजर उस तरफ ना पड़े, कुव्यवस्था साहब को ना दिखे। साहब, ये आपके बदलते हुए बिहार के तरक्की वाली तस्वीर है। मुख्यमंत्री जी, इस तस्वीर के बाद आपके सिस्टम का फिर वही हाल होगा, जांच जांच जांच, दोषियों पर कार्रवाई। अगर कार्रवाई का डर ऐसे ठेकेदारों के ऊपर होता, ऐसे बनाने वाले एजेंसी के ठेकेदारों के, कर्मचारियों के ऊपर होता, अधिकारियों के ऊपर होता, तो शायद ये डर किसी पुल के गिरने से पहले दिखता। पुल गिरता है, चाहे वो नदी में गिरे, नाला में गिरे, पोखर में गिरे, सड़क पर गिरे, किसी के जान क्यों नहीं चली जाए, क्या फर्क पड़ता है। नया टेंडर, नए लोग, नई बहाली, नए उगाही, फिर कमाई, ये है। विपक्ष में बैठे नेताओं के लिए भी है, जरा गौर से देखिए। सिस्टम में साथ रहने का दावा आप लोग भी करते हैं और साल साल भर पे सिस्टम में आप बने रहते हैं, हर एक साल पर आप सिस्टम का अंग बन जाते हैं, शायद इसलिए आप चुप हैं। विपक्ष की बोलती आखिर क्यों बंद है? इस तरीके से सिस्टम में छेद हो रहे हैं, सिस्टम की दीवारें पतली हो रही हैं, लोगों का भरोसा टूट रहा है इंसानियत के ऊपर। इस तरीके से जो बेईमानी का चोला डालकर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो मिलावटी सामान बेचने वाले लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर कौन सा ढकोसला होगा, कौन सा दिखावा होगा, ये बताना होगा एक अड़े मार्ग में बैठे साहब को, सुशासन की तस्वीर पेश करने वाले जेडीयू के तमाम नेताओं को, विपक्ष के उन तमाम नेताओं को जो भरोसा बिहार के विकास में बदहाली से निपटने की तस्वीर दिखाते हैं, डबल इंजन की सरकार वाले ताकतवर नेताओं को जिनके सहारे बिहार में सरकार चल रही है और जिनके सहारे देश की सरकार चलने वाली है, दोनों ही डबल इंजन की सरकार को बताना होगा कि ऐसे रोज अगर पुल गिरेंगे तो फिर बिहार के लोग अपने बदहाली का रोना किसके सामने रोएंगे, अपनी किस्मत का ठिकड़ा किसके सामने फोड़ेंगे, अपने हालात का रोना
हालात की बेबसी किसको दिखाएंगे, फटहाली तंगहाली किसको बताएंगे, क्योंकि जहां जाएंगे इस तरीके के पुल बनने के साथ ही गिर जाएगा, बना हुआ पुल धराशायी हो जाएगा। लेकिन सिस्टम और सिस्टम में बैठे अधिकारी, शासन में बैठे लोग, सरकार चलाने वाले मंत्री बस सियासत करेंगे, एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, फिर बलि का बकरा किसी छोटे प्यादे को बना दिया जाएगा और बड़े फिर आराम से दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाएंगे कि किसमें कितना घपला घोटाला करके एक नया पुल गिराया जाएगा। गड़बड़ी कहां हुई है, चूक कहां हुई है, मोतिहारी का यह पुल आपसे पूछ रहा है। मुख्यमंत्री जी, लोकसभा का चुनाव का नतीजे सामने आ चुके हैं, विधानसभा चुनाव की सुगबहाट होने वाली है, उसके पहले इस तरीके से एक महीने के अंदर कई जगहों पर जो पुल गिरे हैं, ये पुल चीख चीख कर आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आपके भरोसे आपके सुशासन की ये पोल खोल रहे हैं, ये आपके उस ईमानदार छवि की तस्वीर जो धुंधली हो रही है, जो रबड़ से मिटाया जा रहा है, जो लकीर आपने खींची थी उस लकीर की। आप सरकारी दफ्तरों में दीवारों पर भले ही ईंट पत्थर पे गुदवा दीजिए कि ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, महात्मा गांधी के 7 वचन लिखवा दीजिए, लेकिन 7 वचनों की बात तो दूर कीजिए, 7 क्षण भी लोग ईमानदारी से कुछ सोच नहीं सकते हैं, तभी तो बनते हुए पुल धराशायी हो रहे हैं और बने हुए पुल बह जा रहे हैं। लेकिन सर, ना आपको कोई फर्क पड़ता है और ना ही आपके साथ काम करने वाले अधिकारियों को, फर्क तो विपक्ष को भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको तो बस मुद्दा चाहिए, मीडिया और अखबार में फोटो चाहिए और वक्त वाहवाही, बस काम खत्म हो गया। बिहार की तरक्की, बिहार के लोगों के भले की बात है। यह तस्वीरें नींद में सोए नीतीश कुमार को झकझोर के जगा देगी, ये तस्वीरें सिस्टम में बैठे बीजेपी के 2-2 सम्राटों को जगा देगी, एक सिन्हा एक सम्राट, 2-2 डिप्टी CM है, पूरे बीजेपी सत्ता में काबिज है, डबल इंजन की सरकार है। ये तस्वीरें तेजस्वी यादव के उस सपने को भी खोखला कर देगी जो सपना तेजस्वी देखा करते थे सरकार में बैठकर। अब जिम्मेवारी जितना नीतीश की है उतना तेजस्वी की है, उतना सम्राट की भी है, उतना बीजेपी की भी है, उतना मोदी और शाह की भी है, क्योंकि सत्ता में रहने का हर किसी को इल्म जो है, कुछ दिन पर सत्ता भले ही बदल जाता है लेकिन काम करने वाले अधिकारी और काम करवाने वाले लोग यही रह जाते हैं, तभी तो इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आती है और ऐसे गलत करने वाले लोगों के नाक ना कान ना आंख खुलती नहीं है। डर इनके दिलो दिमाग पर नहीं होता है, ना सरकार का डर है और ना ही लोगों की आवाज का। देखिए मोतिहारी के पुल गिरा, उसके बाद आसानी लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पुल गिरना सिस्टम पर बड़ा सवाल है। घास मिट्टी से डला रहा है, हैं? ये देखिए, हैं? ये कौन जाती है? क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार। ये कौन सा जगह है? अमोहा है। कैसे घटना हुआ है ये? रात को पुल ढला रहा था, 10-12 बजे तक काम हुआ है, ठेकेदार मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया, वहाँ पे देखिए पेपर लगा हुआ है, 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है, बताइए गिर गया है, कल कोई गाड़ी जाता गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाब दही कौन होता? कैसे ध्वस्त हुआ है, कैसे ध्वस्त हुआ है? 10 एकड़ मसाला से माल बन रहा है इसमें, न यहाँ कोई इंजीनियर देखने वाला है, न कभी ठेकेदार साहब आए हैं, मुंशी के द्वारा काम हो रहा है, 10 एकड़ से काम हो रहा है, सीमेंट देख लीजिए डुप्लीकेट है, गिट्टी देख लीजिए डुप्लीकेट है, बालू भी उसी तरह का है, मिट्टी है, आधा मिट्टी है आधा बालू है, वहीं सब काम हो रहा है। पहले विरोध आप लोग नहीं किए थे? विरोध क्या करेगा इस पे, कोई नहीं किया विरोध। अच्छा, आज तो ध्वस्त हो गया ना? आज गिर गया, रात को गिरा है। दाद है जो घूस लेकर काम करे, जो भी काम किया गया है ये सब नजायज किया गया है, सही काम नहीं है। क्या क्या गड़बड़ लग रहा है आपको? आपका सरिया ठीक नहीं है, प्लेन ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी एंगल से देखिए इसका कोई भी ठीक नहीं है। कौन ठेकेदार है, नाम पता है क्या? नाम हमको नहीं मालूम। एक ढलाई स्टार्ट है। अच्छा, ये गिरा कैसे है, ध्वस्त कैसे हो गया है? ये गिरा कैसे है? ये ध्वस्त कैसे हुआ तो हम लोग भी नहीं देखे हैं, वो कहते हैं मुंशी साहब की कोनो अपाचू वाला आया, खूंटा हिला दिया। अपाची से खूंटा है, खूंटा हिलाने वाला है अपाचू वाला, आप इसको अथी के देख लीजिए, किलर को देख लीजिए, पिलर को अपना
तभी ना इसमें ताह लगाइएगा कि हाँ हमारा पिलर सहेगा कि नहीं सहेगा, 3 फीट गहराई है ऊपर से। क्या ये कौन सा गांव है? ये अमवा गांव है। ये कहाँ से कहाँ जाती है सड़क? यहाँ आपको डायरेक्ट है, ये बलान से कुंडवा चैनपुर जाती है। कितना गांव को जोड़ने वाला ये सड़क होगा लगभग? ये तो 10 गांव। हाँ, 10 गांव को जोड़ती है। क्या कहना है आप लोगों को, कैसे ध्वस्त हुआ इसमें ये जो गांव का? ठीक, ये पुल कब बना हुआ है? ये पुल कब बना है? ये पुल, ये तो आज कम से कम 10 दिन से काम हो रहा है इसमें, महीना दिन से। हाँ, महीना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।